सर आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप नीचे जाइए ना सर। संतोष सर, सर ओके सर, वो मीडिया में आप भी स्कूल में नहीं है, पीछे करिए आप वहां पे। ए साइलेंट साइलेंट सर, वो हाइट के ऊपर का रास्तावासी। स्टैंड बाय, गाना रेडी रेडी। इधर पेज है ना सर, बोलो फोटो में दिखाओ। हेलो बोला नहीं, नहीं बोलो। अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा, पीछे आ जाओ सर, बोलो रुको रुको, मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे नहीं लाइट जाएगी, बहुत तेज आ रहा है सर, तो लाइट के लिए लाइट करने पड़ेगा। बस बस परफेक्ट, क्या लाइन ही थी। बेहतर है कि प्रक्रिया है, प्लीज कर जा सर। लो क्या रहा है यार को भजवाता हूं इधर मैम आई या बस बस पास सोलो सर सर राइट सर हियर सर सामने देखिए सामने सर हियर सर लेफ्ट में सर सर लुक सेंटर हो गया थैंक यू कौन सुपर है सामने देखिए सामने एक्सक्यूज मी मैं सबको देख रही हूँ सनी पाजी बुलाओ ना बोल दिया यह तो सामने देखिए सही हो मैम यो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सक्यूज मी सामने देखिए सामने सर यो 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 सर सामने देखिए सर यो यहाँ पे देखो सर यो पाजी अभी यार थैंक यू भाई इधर ए पाया ए और पीछे जाओ सब लोग अच्छे से ग्रुप कर लेते हैं बैग आ जाओ जरा भी गंदा सब नहीं एक्सक्यूज मी भाई पीछे आओ ना सर एक ग्रुप फोटो करते हैं ग्रुप फोटो ग्रुप पीछे आओ पीछे आओ कम फोकस सर बस ये पीछे आओ ना पहले सर चलो हो गया सर पे क्या रेड आ रहा है ना सर अजून एक एक सर आइए ना एक स्टेप फोटो प्लीज बस ओके सर लेफ्ट टू राइट देखिए प्लीज अभी राइट में वाला सर 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 सामने से कुछ करवाने के लिए राइट में दिए थे सर आपने एक सोलो किया सनी सर सर आपके लेफ्ट में सनी सर यार सनी सर सामने देखिए सर सर यार सही है सर आपके लेफ्ट में
सर लोग थैंक यू अरे रेड थोड़ा आगे कर ले सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ये जिंदगी है सनी जी कैसे लग रहा है सीआईडी में यू आर प्रमोटिंग योर मूवी घायल वंस अगेन एनी स्पेशल एक्सपीरियंस I had done this earlier also, when since I've been released, and this is the second time I'm doing it. It's always been very beautiful working with them because it's again something to do with my genre. तो मैंने बोल लिया नहीं बनना चाहिए. तो क्या बोलूँ इसके बारे में? वैसे भी मैं आई मीन जो चीज़ मैं बोल चुका हूँ उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं सनी सरांच्या बरोबर नाही गरज पडत नाही अनलेस इफ ही वॉन्ट्स टू नो समथिंग की बाबा मराठी में इसको क्या कहते हैं या कैसे बोला पहली बार रिलीज हमें दिवाली की है मैंने पहले तो ऐसे लोगों की स्पेकुलेशन थी मैं दिवाली पे आ रहा हूँ आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ स्पेशली माय स्पेशल इफेक्ट्स सो आई कुड नॉट सी माई सेल्फ कि मैंने दो साल लगाए पिक्चर के ऊपर एकदम से मैं अपने स्पेशल इफेक्ट सब सही ना हो मैं स्ट्रेट अवे जाकर रिलीज कर दूँ सो फॉर मी दैट वॉज अ मेन रीजन एंड अभी नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कैन टेक अ सारा के लिए घाई घाई में मैं खाली की भी पिक्चर नहीं लगा रहा था सो दैट्स व्हाट इट इज टेक्निकली बेसिक Yeah, we are in talks with a couple of production banners. Let's see which one we shake hands with. So, Sunny, do you like promoting your films, you know, on small screens? Definitely now it's become a thing as important ke jitni important aap picture banane mein apni jitni mehnat lagate hain utni mehnat yahan bhi lagani padti hai kyunki otherwise लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते और आई थिंक दिस इज दी थिंग विच इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी इसलिए भी मैं भी कर रहा हूँ बट द ब्यूटी ऑफ इट इज राइट नाउ पहले मैं भागता था भी आई एम ट्राइंग टू एंजॉय आई थिंक लाइक आई सेड इट इज़ बेसिकली द वन एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इट्स सो पॉपुलर एंड इट्स पॉपुलर बिकॉज पीपल लव इट एंड इट्स बीन देयर फॉर सो मेनी इयर्स ओके सो यू कैन डिनाई दैट And definitely then, when something which has been watched by everybody and which is, again, matching with the kind of my dhyal is, Ajay Mehra ka jo character hai. So what can be a better marriage than this? Sir, aap pehle Bigg Boss pe gaye the, wahan pe aapko kaafi intezaar kara. कुछ दिनों पहले प्रमोशन के लिए आप बिग बॉस के सेट पे गए थे तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंतज़ार कराया गया यहाँ पे सीआईडी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर ऐसा तो कुछ आप क्या एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं हम लोग खुद शूटिंग में कितनी दफ़ा लेट जाते हैं तो इसका कोई रीज़न होता होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है सो आई मीन डेफिनेटली इट हैज़ बीन ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन माय नेक्स्ट फिल्म कम्स डेफिनेटली आई विल कम अगेन ओवर हियर नॉकिंग ऑन द डोर व्हाई नॉट सर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी माने जाते हैं सीआईडी के जो दरवाजा तोड़ते हैं जब सनी पाजी की बात है सनी पाजी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी माने बॉलीवुड के लिए आज जब दोनों मिल रहे तो किस तरह का कुछ कन्वर्सेशन हुआ है आपने फ्रैंक एक तो सनी साहब वैसे भी आई थिंक इंडिया के सबसे लव्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं द ड्यूल्स इनके फादर उनको देख के हम बड़ी खुशी सर
एंड इतने बड़े फैंस हैं हम लोग, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा, ऐसा लगता है कि समवेयर ये अप्रिशिएशन है हमारे काम का जो 18 साल से हम करते आ रहे हैं. और एक्शन के मामले में अगर कोई बोलता है धर्म जी जैसे करते हैं, सनी जी जैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली यू फील प्राउड अबाउट इट. इट्स अ नाइस मोमेंट. क्या मुझे पसीना आ रहा कुछ. हम लोग बेसिकली इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड जो हम कर रहे हैं एंड इसमें मुझे एक्शन काफ़ी करना पड़ रहा है. एंड अगेन इट्स अ केस विच हैज़ टू बी सॉल्व. एंड एज आई सेड, जैसे मेरा कैरेक्टर जो अजय मेहरा का है, हु इज़ भाल गंदरी इज़ एन इन्वेस्टिगेटर काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट, तो उस तरह से इसके अंदर मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तभी मैं दो दिन से शूट कर रहा हूँ. भाई ये बताना ज़रूरी है कि नॉर्मली जो एक्टर्स आते हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एक या दो सीन्स में होते हैं. सनी जी ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में, ऑलमोस्ट 8 to 10 एपिसोड सीन्स, या 8 to 10 सीन्स, ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में सनी जी हमारे विद एक्शन. विद एक्शन मेरा सवाल दो लेडी कॉप्स के साथ है, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी पाई जी, एंड कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा सीन शूट करने के दौरान? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. हमने कल एक सीन शूट किया था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. हम लोग कल बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई टॉक टू हिम, थोड़ा बहुत पंजाबी में भी बात करूँगी मैं इनसे. आई वॉज टेलिंग एवरीबडी के कल ना, मैं अभी आज बात नहीं हो पाई है, कल आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा बहुत बात करूँ. तो आई होप आप मुझे कल पूछिए, देन आई मे बी आई बी एबल टू टेल यू. मेरा क्वेश्चन सनी से आपसे है सर, गायल एंड गायल वन सेकेंड में क्या मेजर डिफरेंस है? एक तो मैं तब जो था और आज में बहुत डिफरेंस है उसमें. सो डेफिनेटली वो कहानी उस वक्त की थी, ये कहानी आज की है, 2015 के 2016 हो जाएगी. सो इट्स अबाउट टुडे सोसाइटी बेसिकली. एंड अजय मेहरा जो उस वक्त यंगस्टर था, इस वक्त ही इज़ 90s लेट 40s, और तो आई वांटेड टू मेक हिम वेरी एविडेंट इन आज की सोसाइटी में, अगर अजय मेहरा हो तो क्या असर हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा. थैंक यू सर. हट ना, अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? अरे पीछे हाँ करो ना, फ्लैग करो, ऐसा करो ना.
प्लीज जरा यार कोई पीछे क्यों ना यार संतोष सेंटर चाहिए मुझे यार सेंटर हां एकदम सेंटर चाहिए काले बिल्कुल सेंटर हां और क्या शैडो बन डालो ओके इसके पास में काले के पास में शैडो ओके प्लीज थोड़ा Yeah, yeah, yeah.